6-6 घंटे पढ़ते थे तो भाई बाकी टाइम क्या करते तुम यार? 5-6 घंटा पढ़ के आईएएस बन के वाह यार, पुलिस में नहीं बन रहे लोग, ऐसा क्यों माहौल बना रहे? पिछली बार एक आईएएस का इंटरव्यू हुआ, बड़ा अफसोस हुआ मुझे पढ़ के, जब उसने ये कहा कि मेरा गर्लफ्रेंड की वजह से सिलेक्शन हुआ था, लोग तुम्हें आदर्श मानते हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसे मैं प्राप्त न कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लोग मुझे आदर्श मानते हैं, लोग मुझे दृष्टांत मानते हैं। जब मैं काम नहीं करूंगा तो लोग मुझे दृष्टांत मान के काम नहीं करेंगे, मुझे करना पड़ेगा काम। तो वो लोग जो सफल हो गए वो ऐसी राय दे रहे हैं, गर्लफ्रेंड से सिलेक्शन हुआ, एक कह रहा है मैं आईपीएल देखता था, एक कुछ ही बोल रहा है कि 5-6 घंटे से ज्यादा पढ़ता नहीं था तो बाकी काम क्या करता था रे तू? तो ये क्या है? अब आप जैसे गांव में किसी का सिलेक्शन हुआ, सेकंड ग्रेड में हुआ, फर्स्ट ग्रेड, आप राय लेने के लिए जाते हो। अब देखो कोई जो सही है वो तो सही दे देगा, बाकी 90% कैसी राय दे? थोड़ा सर सिलेक्शन है थोड़ा बताओ उनके। अरे नार मन तो बेरो ही को नहीं हो, वो सागर हो फोन आयो बोले रे कोलेटर आ गयो है कह गाड़ी कर रखी तन चालनो पड़ो जुद मत सागो गयो जुद। वाह यार इतनी जल्दी दिन भूल गया बेरोजगारी के। और सत्य है लोग भूल जाते हैं अपने दिन। थर्ड ग्रेड में जिनका सिलेक्शन हुआ, बड़ी मेहनत से सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद पता है क्या करते हैं? सेकंड ग्रेड जैसे थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, अपनी बेरोजगारी के दिन भूल जाते हैं, और जब तैयारी करते हैं तब तो बोलते हैं कि पाकिस्तान में ड्यूटी आई तो वहां भी कर लेंगे। फिर ड्यूटी आ गई डार्क जोन है, फिर थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन है, फिर दोबारा थर्ड ग्रेड का पेपर देते हैं किसी एक बच्चे के आगे, फिर आते हैं वो कहते हैं वेटिंग निकल जाए, काय की निकल जाए, कब निकलेगी? ऐसे करने से आप किसी एक व्यक्ति के लिए आगे नहीं आ रहे, आप 10 लोगों का रोजगार छीन रहे, आप 10 लोगों को यानी 10 लोग पालते, एक नौकरी लगाओ आदमी 10 लोगों का पालन पोषण करता है, तू उन 10 लोगों के आगे आए, तूने अब किसी का रोजगार छीना है। पुलिस में ऐसा बहुत, मान लो तुम्हारे लिए रिश्ता आए वो सेकंड ग्रेड लगी हुई हो, क्या देखने जाओगे? क्या नाम नहीं लोगे देखने का? बोल बस कर दो, मूर्त मारत ना देखो जे मांस न कर दो, बोले कर दो बस। अब कल्पना करो कि तुम्हारे लिए रिश्ता आए वो आईएएस अधिकारी लगी हुई है, क्या देखने जाओगे क्या नहीं जाओगे? नाटक ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आदमी का खूबसूरत नहीं होता, खूबसूरत तो ये नौकरी होती है। और इसके लिए जो अंतिम धाम है बुक्स, किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी खूबसूरत बनने के लिए। ये खूबसूरती तो 25-30 साल तक होगी, उसके बाद नहीं है ये खूबसूरती, खूबसूरती तो ये रहेगी, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। जब तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं। अब तो बस चारों ओर किताबें हों और किताबें ही किताबें हों, लेकिन किताबों तक पहुंचने का ये रास्ता बताता हूं, कैसे रुचि पैदा करनी है, कैसे पहुंचना इस धाम तक, जीके में कैसी रुचि पैदा होगी आपकी नौकरी के लिए। अरे आप बोलोगे नहीं थोड़े दिनों बाद तो सीख रहे, वो दिन दूर नहीं है। अभी तो आप बाबूजिया होटल में खाओ, वो दिन दूर नहीं है। किसी प्रोग्राम में जाओगे ना, पास वाला आपसे पूछेगा, क्यों पूछ रहा है ये और बता दो, वो आपसे पूछेगा भाई साहब करते क्या हो, नाम तो बाद में पूछेगा, करते क्या हो, क्यों? इस सवाल का जो जवाब आएगा उसके बाद वो निर्धारित करेगा कि आपको कितनी इज्जत देनी है। थे को करण ने तो के कराई लाग रहा गठी, अब वो आपको कोई इज्जत नहीं देगा। अब आप बोलो पुलिस में, अच्छा पुलिस में हो गए गढ़ा ड्यूटी बीकानेर, और बीकानेर तो मारा है फूंपो जी है थर्ड नंबर दो, आपको किस लिए पूछ रहा है, आपको कितनी इज्जत देनी है? तो ये तो बड़ी खूबसूरत, आप तो बोलोगे नहीं थोड़े दिनों बाद आपकी सेक्रेटरी बोलेगी और उस सेक्रेटरी का नाम होगा नौकरी। लेकिन इस धाम तक पहुंचने के लिए इतनी यात्राएं करनी पड़ेगी, कौन से धाम पे ज्यादा ठहरना है, कौन से धाम पे नहीं ठहरना है, वो सारी बताता हूं। सबसे पहले जब दिमाग में नौकरी आती तो आदमी सबसे पहले इसी धाम की ओर रवाना होता है। ये एक कोचिंग का एक कीड़ा है जो दिमाग के अंदर है, इसे मारना है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि कहां मारते हो, कितने पैसे में मारते हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग इस कीड़े को बड़ी जगह जाके मारते हैं और कुछ छोटी जगह पे भी इस कीड़े को मार लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है कीड़ा है मारना है, बीमारी तो एक ही है उसका, चाहे जयपुर इलाज कराओ, चाहे सिक्कर कलाओ, चाहे यहां करवाओ, बीमारी एक ही है। कोई बड़ी बीमारी हो जाए, चाहे छोटी बीमारी, जुकाम है, जुकाम के लिए जयपुर जाओगे क्या? भी जुकाम है, कैंसर के लिए जाना पड़ेगा, यहां इलाज नहीं है। तो ये बीमारी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी बीमारी है। अब आईएएस एक बड़ी बीमारी है, बड़ा कीड़ा है, इसके लिए तो भाई साहब बड़े धाम की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल जो है, आप तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड, इतनी जरूरी नहीं है। अब ये कीड़ा जो है ना, बड़ी जगह पे मारोगे ज्यादा पैसे, जितनी बड़ी जगह उतनी बड़ी झूठ,
आपको देखा होगा, मैंने तो सब जगह देख लिया। मैंने तो जैसे आप सेमिनार में जाते हो तो उस समय ऐसा माहौल पैदा किया जाता है, थारियां जोश आ जाओ का आग लगा देंगे आप तो, खड़ो निमेड़ो ही कर देंगे आप तो, क्योंकि जब कहा जाएगा हमारे